हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर डी राज राव, टीम केमिस्ट्री सी एल सी सीकर। और ये मैं मिड सेशन 5 जो है उसमें ऑर्गेनिक पार्ट का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर है 69। थ्रू विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन नंबर ऑफ द कार्बन एटम कैन बी इंक्रीज्ड इन द चेन, मतलब कार्बन की संख्या में वृद्धि किस में अपन कौन सी रिएक्शन से कर सकते हैं? तो केनिजारो रिएक्शन में तो अपन नहीं कर सकते हैं। केनिजारो रिएक्शन तो अल्फा एच कंटेनिंग एल्डिहाइड शो करते हैं ये चीज। और इसके बाद में हमारे पास आता है एल्डोल रिएक्शन। तो एल्डोल रिएक्शन की बात करें तो एल्डोल में हो जाएगा, एच वी जेड में भी नहीं होगा, तो एच वी एल्डोल रिएक्शन इज करेक्ट। एल्डोल रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, जैसे हमारे पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया हमने, इसी का हम क्या बना लेते हैं, एनायन बना लेते हैं। जैसे ये एनायन बना लिया हमने, अब ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक कर लेगा, तो कार्बन की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है ना। कार्बन की संख्या बढ़ के और प्रोडक्ट बनेगा, मतलब एल्डोल में एल्डिहाइड भी आ रहा है और ओल भी आ रहा है, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप और ओल दोनों फंक्शन ग्रुप आ रहे हैं। तो एल्डोल में इस तरह से यहाँ पर अपन जोड़ के डायरेक्ट बना सकते हैं। और एच वी जेड में क्या होता है, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंट में अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग जो एसिड देते हैं, मतलब हेलोजिनेशन रिएक्शन होती है ये, जैसे आप क्लोरीन की रिएक्शन कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास अल्फा एच रिप्लेस होता है, अल्फा एच रिप्लेस होता है इसमें। और केनिजारो रिएक्शन में ये भी बेस की प्रेजेंस में कराते हैं, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन लेस जो एल्डिहाइड शो करते हैं, जिसमें एक का ऑक्सीडेशन होता है एक का रिडक्शन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलते हैं बच्चों, इसमें पूछा है विच ऑफ द मोस्ट सुटेबल रीजन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन, ये जो कन्वर्ट अपन करना है, कन्वर्जन करना है, तो इसमें कौन सा रीजन सुटेबल है। देखिए अब यहाँ पर आपके पास में ये जो बच्चों आया आपके पास CH3 ग्रुप और ये कन्वर्ट हुआ है एसिड में, इसका मतलब ये है डबल बॉन्ड इफेक्ट हुआ नहीं है। तो यहाँ पर I2NH ये हेलोफॉर्म रिएक्शन हो गई बच्चों, हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है कि ये जो ग्रुप होता है आपका CH3, ये तो कन्वर्ट हो जाएगा हेलोफॉर्म में, CH Cl3 में चला जाएगा और इस पार्ट का हो जाता है ऑक्सीडेशन। जैसे आपके पास दो पार्ट है RCOCH3 अल्फा मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड, तो इसका बनेगा हेलोफॉर्म और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका एसिड में, तो ये फोर्थ इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कंपाउंड्स एंड द सी इन द फॉलोइंग रिएक्शंस, ए और सी में रिलेशन पूछ रहा है। देखिए बच्चों, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर ये जो दिया है एसीटोन है, CH3CO CH3 है, अब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं CH3MgBr से, तो ये ग्रिनार रिजेंट का ये कार्बेनाइन रिएक्शन करेगा, फिर हाइड्रोलाइसिस करके मैं फाइनल प्रोडक्ट यहाँ बना देता हूँ, ए बना रहा हूँ मैं, तो ये आ जाएगा CH3 CH3, इधर CH3 और ये आ जाएगा OH। फिर आपके पास ये जो स्टेप आ रहा है बी, ये हो गया एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन में डिहाइड्रेशन करवाएंगे अपन, इसमें से H2 निकाल लेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये बनेगी एल्कीन। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पूछा है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो इसमें हमारे पास क्या है, वन ओल प्रोडक्ट बनते हैं, तो HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो ये आ जाएगा CH3 CH3 और ये आ जाएगा HCH2OH, तो ये हमारे पास आ गया C। अब पूछा है C में और रिलेशन पूछा है आपका A में, तो ये आपके पास आ रहा है 1-2 पर और ये आ रहा है आपका 1 पर, तो ये पोजीशन आइसोमर हो गए, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। 72, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन,
देखिए रिएक्शन अपन कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में कार्बोनिल कार्बन की रिएक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, तो रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑन कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन, तो ये आपके पास आ जाएगा सबसे ज्यादा होगा फॉर्मेल्डिहाइड हाईली रिएक्टिव एल्डिहाइड, तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा ये भी 73, हाँ 73 देखिए बच्चों, विच ऑफ फॉलोइंग द फाइनल प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग कन्वर्जन, तो फर्स्ट हमारे पास जो आता है वो ओजोनोलाइसिस है, तो ओजोनोलाइसिस में सबसे पहले हम प्रोडक्ट बना लेंगे डायरेक्ट, ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस है तो प्रोडक्ट डायरेक्ट एसिड बन जाएगा आपका, इसके बाद में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके हम बना देंगे सॉल्ट बना लेंगे CaOH जो है ना इसके साथ में ऐसे OH H मिलके H2O OH और H मिलके H2O ये सॉल्ट बन जाएगा इसका। इसके बाद में हम यहां से CaCO3 एलिमिनेट कर देंगे, CaCO3 तो ये बनेगा साइक्लो पेंटेनॉन। तो साइक्लो पेंटेनॉन थर्ड आंसर इज करेक्ट। सेवेंटी फोर मोस्ट इजी डिकार्बोक्सिलेशन विच ऑफ फॉलोइंग, इसका डिकार्बोक्सिलेशन जो है इजीली होगा। तो बच्चों देखो ये तो आपके पास आ गया अल्फा पोजीशन पर मिथाइल है और ये बीटा कीटो एसिड है, ये अल्फा है और ये बीटा है, तो बीटा कीटो एसिड जो होते हैं ना वो फास्ट डिकार्बोक्सिलेशन शो करते हैं क्योंकि इसमें किलेशन हो जाता है, रिंग बन जाती है, क्या बन जाती है, रिंग बन जाती है, बीटा कीटो एसिड शो फास्ट डिकार्बोक्सिलेशन ड्यू टू रिंग फॉर्मेशन, किलेशन के कारण ये फास्ट करेगा, तो थर्ड आंसर इज करेक्ट। विच ऑफ फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ अमंग द एलिफेटिक आई मीन द बेंजीन सॉल्यूशन। अब इसमें बच्चों क्या पूछा है, बेंजीन सॉल्यूशन में पूछा है, बेंजीन सॉल्यूशन मतलब जैसे एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर, तो नॉन पोलर सॉल्यूशन पूछा है तो नॉर्मली जो गैसियस स्टेट में होता है वही ऑर्डर रहेगा बेंजीन सॉल्यूशन में, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा 3 डिग्री, ये 3 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री, तो सेकेंड आंसर इज करेक्ट। सेवेंटी सिक्स डज नॉट रिएक्ट बोस एसीटोन एंड बेंजल्डिहाइड, कौन सा विकर्म एसीटोन और बेंजल्डिहाइड दोनों से विक्रय नहीं करता है, दोनों से ही रिएक्शन नहीं करता ये पूछ रहा है। तो बच्चों देखो फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है ना, फेलिंग सॉल्यूशन क्या करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस के प्रति क्या होता है, ज्यादा सेंसिटिव होता है, तो बेंजल्डिहाइड जो है एनसीईआरटी का बिल्कुल क्वेश्चन है, बेंजल्डिहाइड जो है वो
क्राउडिंग के कारण बोल दो या बेंजीन रिंग के कारण, जैसे मान लो ओवर क्राउडिंग, स्टेरिक हिंडेंस ज़्यादा आएगी तो ये फेलिंग सॉल्यूशन नहीं करेगा। वैसे अपन कहते हैं नॉर्मली एल्डिहाइड करते हैं, लेकिन बेंज एल्डिहाइड नहीं करता है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस और ओवर क्राउडिंग के कारण, और एसीटोन तो वैसे ही नहीं करेगा आपको पता है। तो थर्ड आंसर इज करेक्ट। सेवेंटी सेवन, आइडेंटिफाई द फाइनल करेक्ट प्रोडक्ट। तो देखिए बच्चों, पहले अमोनिया साथ रिएक्शन करोगे तो पहले तो इसमें क्या बनता है, अमोनियम का सोल्ट बनता है, C₂O NH₄ C₂O NH₄। पहले ये सोल्ट बन जाएगा, ये बनेगा आपका ए। इसको अपन हीट करेंगे तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे अपन। वाटर मॉलिक्यूल निकालने के बाद में यहाँ आपके पास आ जाएगा CONH₂ CONH₂। ये आ गए आपके दो वाटर मॉलिक्यूल निकल गए यहाँ पर, तो ये एमाइड बन गया, थैलेमाइड। अब इसमें से स्ट्रोंगली हीट करेंगे इसको, इसको हम क्या करते हैं, स्ट्रोंगली हीट करते हैं इसको। तो यहां से क्या होगा, NH और H, ये बन जाएगा आपका थेलीमाइट। तो थर्ड आंसर इज करेक्ट। एनसीईआरटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज CH3CN AlHiBu। तो ये आपके पास क्या आ गया, एक रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जैसे डिबाल एच होता है ना, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसका नाम है डिबाल एच, ये आपका है डिबाल एच है। तो ये पार्शियली रिडक्शन करता है बच्चों, तो ये क्या करता है, पार्शियली रिडक्शन यूज हो जाएगा। तो यहाँ CH डबल बॉन्ड NH, फिर हम इसका कराते हैं हाइड्रोलाइसिस, तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा और इधर अमोनिया, तो CH3CHO+NH3। तो ये आपका हो जाएगा सेकेंड आंसर इज करेक्ट। सेवेंटी नाइन, द प्रोडक्ट फॉर्म बाई द रिएक्शन ऑफ एन एल्डिहाइड विद द प्राइमरी एमीन इच। देखिए जब अपन एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हैं, जैसे एल्डिहाइड की रिएक्शन करवा दी हमने प्राइमरी एमीन के साथ में H2NR, तो ये बनेगा H2 निकल जाएगा बाहर, डबल बॉन्ड NR हो गया, ठीक है ना, ये मैंने सिप बेस बन गया, इसको बोलेंगे सिप बेस। तो थर्ड आंसर इज करेक्ट, ये है सिप बेस। ये 1 डिग्री एमीन आना चाहिए और ये कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में। एटीन नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो बच्चों, CCl3ClCHO है जो ये अल्फा एच लेस एल्डिहाइड है, तो केनिजारो भी शो करता है, ये हेलो फॉर्म रिएक्शन भी शो करता है, लेकिन Cl3CC में ये कार्बेनाइन क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, ये मोर स्टेबल होता है। तो ये डी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन आ गया इसमें क्लोरीन के साथ में, तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन को प्रायोरिटी देगा,
हैलोफॉर्म रिएक्शन मोर डोमिनेंट हो जाएगी। तो इसका मतलब देखो, ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका। अब यदि ये कैनिजारो देता है तो एसिड भी बन सकता है और सॉल्ट भी बन सकता है इसका, तो Cl3CsCH2OH भी बन सकता है, Cl3COONa भी बन सकता है, लेकिन ये नहीं बनेगा थर्ड। हैलोफॉर्म भी आ गया और कैनिजारो रिएक्शन भी आ गई, होगी दोनों, होगी रिएक्शन दोनों, लेकिन प्रायोरिटी मेन रिएक्शन ही होगी, मेन रिएक्शन ड्यू टू स्टेबल एनाइन। विच स्टेप इन्वॉल्व इन RDS कैनिजारो रिएक्शन मैकेनिज्म? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मैकेनिज्म हाइड्राइड मैकेनिज्म होती है, सबको पता है हाइड्राइड मैकेनिज्म। मतलब यहाँ पर हमारे पास एल्डिहाइड जो होता है, अल्फा एच लेस एल्डिहाइड जो होता है, तो इसमें जो पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है, एक बेस अटैक करता है इसके ऊपर, तो ये आ जाता है एच सी ओ नेगेटिव ओ एच एच, और फिर अगले स्टेप में हमारे पास यहाँ से एच निकलता है, ये डबल बॉन्ड आ जाता है, ये एच माइनस यहाँ ट्रांसफर होता है जाके, तो ये RD स्टेप होता है इसका, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये हमारा सेकेंड आंसर इज करेक्ट। कौन सा ओजोनियम अपघटन 5-keto-2-methylhexanal प्रोडक्ट देगा? तो इसमें बच्चों क्या करते हैं, ओजोनोलाइसिस करवा देंगे, तो इसमें सीधा देख लो डायरेक्ट 5-keto चाहिए आपको, 2-methylhexanal चाहिए, तो यहां से अपन जैसे करवाते हैं, तो यहां आप देखोगे ये 1 नंबर आया, ये 2 आया, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, तो आपके पास 5 per keto क्या चाहिए, 5 per keto चाहिए, तो यहाँ पर तो 1, 2, 3, 4, 5 5 keto आ रहा है और 2-methylhexanal आ रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है, तो थर्ड आंसर आ जाएगा। ओजोनोलाइसिस करके देख लो सबका, ऐसे सबका कर करके देख लो बच्चों, पता चल जाएगा आपको, तो प्रोडक्ट इसी में आ रहा है आपके पास। आयोडोफॉर्म कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ऑल, आयोडोफॉर्म सभी से बनाया जा सकता है एक्सेप्ट, देखिए आयोडोफॉर्म हैलोफॉर्म रिएक्शन होगी, हैलोफॉर्म रिएक्शन में आइसोप्रोपिल एल्कोहल दे सकते हैं, इथाइल मिथाइल कीटोन दे सकते हैं, 3-methyl-2-butanone दे सकते हैं, आइसोब्यूटिल एल्कोहल नहीं देंगे, आइसोब्यूटिल एल्कोहल हैलोफॉर्म नहीं देंगे, तो फोर्थ आंसर इज करेक्ट। कंपाउंड पी ऑन द ट्रीटमेंट विद Br2FeBr, FeCCl4Br2FeBr से विक्रिया कर एक एकल समूह C8H7O2Br उत्पन्न करता है जो यौगिक को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर टोलुइन देता है। एक ही प्रोडक्ट बोल रहा है बच्चों, ये बोल रहा है सिंगल आइसोमर बनना है, सिंगल आइसोमर, तो सिंगल आइसोमर केवल पैरा से बन सकता है, किससे बन सकता है, केवल पैरा से, और ये बोल रहा है कि Br2FeBr3CCl4 के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये लुईस एसिड हो गया आपके पास, तो ब्रोमोनियम आयन आपके पास बनेगा, ठीक है, तो ये आपका सिंगल प्रोडक्ट जो बनेगा वो केवल इसमें बनेगा, पैरा पोजिशन में, यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट बनना है, यहाँ सिंगल नहीं बनेगा आपके पास, क्योंकि Br ने ब्रोमोनियम आयन ने अटैक करना है आपके पास, ब्रोमोनियम आयन ने अटैक करना है, तो वो अटैक आपका मेटा डायरेक्टिंग और एक है ये, इसके अकॉर्डिंग अटैक करेगा, तो यहां वन प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन यहां पर भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है। मिथाइल एमीन रिएक्ट विद HNO2 टू फॉर्म द विच मेजर कंपाउंड,
देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक्सेप्शन भी है ये। मिथाइल एमीन के केस में ध्यान में आपको कि डाइथाइल ईथर बनता है क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है। तो इसमें ये फर्स्ट आंसर आ जाएगा। देखो बाकी केस में क्या बनता है बच्चों, एल्कोहल बनता है, लेकिन इसमें मिथाइल एमीन के केस में क्या बनता है, CH3NH2 के केस में, क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन बनता है CH3+, ये हाईली रिएक्टिव होता है। तो ये क्या करता है, जो CH3OH बनता है ना तो उसके ऊपर ये अटैक कर लेता है, तो ये बन जाता है CH3OCH3, डाइमिथाइल ईथर। तो इसका फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। कौन सा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ में एजो युग्मन रिएक्शन देता है? तो इसमें बच्चों हमारे पास क्या है, डाइजोनियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शन जो पूछी है, हाँ तो ये आपके पास इलेक्ट्रो ESR होगी, ये ESR है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो ये फिनोल शो करेगा, इसमें OH ग्रुप आ गया आपका, एनिलिन में NH2 ग्रुप आ गया और एनिसोल में OCH3 ग्रुप आ गया और नाइट्रोबेंजीन ये NO2 ग्रुप आ गया, तो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया। ESR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EDG। तो आपका जो है फिनोल, एनिलिन, एनिसोल ये तो शो करेंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा नाइट्रो, नाइट्रोबेंजीन आ जाएगा। विच इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन प्रिपेयरिंग द प्राइमरी एमीन फ्रॉम द एल्किल हैलाइड विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द चेन? कौन सी उत्तम विधि जो एल्किल हैलाइड में श्रृंखला में बिना कार्बन परमाणु की संख्या परिवर्तित हुई प्राथमिक एमीन बनाने में प्रयुक्त होती है? देखो रिएक्शन विद NH3 ले केवल, लेकिन ये पूछ रहा है केवल आपके पास आना चाहिए प्राइमरी एमीन, बेस्ट मेथड पूछ रहा है, ये बेस्ट मेथड पूछ रहा है बच्चों। तो बेस्ट मेथड हमारे पास गैम्बिल थैलेमाइड सिंथेसिस होता है, बेस्ट मेथड में गैम्बिल थैलेमाइड सिंथेसिस होता है। बाकी ऐसे बनाने में हम बना सकते हैं, लेकिन यहां आपको बेस्ट मेथड दिया है तो इससे हम क्या बना सकते हैं, केवल 1 डिग्री एमीन बना सकते हैं, ओनली 1 डिग्री एमीन, ठीक है, केवल 1 डिग्री एमीन बना सकते हैं। और एनसीईआरटी का वेल पॉपुलर क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेते हैं, रिडक्शन ऑफ द एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड यूजिंग एन HCl गिव्स, एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में बच्चों हमेशा एमीन बनता है, क्या बनता है एमीन, ये भी रिडक्शन का क्वेश्चन है। रिडक्शन है ये NO2 ग्रुप को FeHCl एसिडिक मीडियम में डायरेक्ट NH2 कन्वर्ट होगा ये, तो ये सेकंड आंसर इज करेक्ट। बच्चों क्वेश्चन नंबर 96, द एंड प्रोडक्ट इन द बिलो रिएक्शन इज, तो देखिए इसमें सबसे पहले जो हमारे पास आता है C2NH5, तो HNO2 से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, सबसे पहले इसमें एल्कोहल बन जाएगा, तो C2H5OH ये बनेगा आपका ए, पहले ए बन जाएगा आपका, फिर इसकी रिएक्शन करवाएंगे अपन PCl5 से, PCl5 से कराएंगे तो ये OH रिप्लेस होके यहाँ आ जाएगा C2H5Cl, NSR हो गई आपकी। इसके बाद में ये बनेगा A, ये हो गया आपका B, फिर आपके पास आता है अमोनिया के साथ फिर NSR रिएक्शन, ये लिविंग ग्रुप, ये न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक कर लेगा इसके ऊपर, तो बनेगा C2H5NH2, मिथाइल एमीन बन जाएगा इसमें।
तो सेकंड आंसर इज करेक्ट। नाइन्टी सेवन क्वेश्चन बी पूछ रहा है क्या होगा। सी एच थ्री सी एच टू सी डब्ल्यू एच क्लोरिन रेड फॉस्फोरस, ये है एच वी जेड रिएक्शन, हेलवोलार्ड जेलिंस की रिएक्शन, अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन हटेगा यहां से, रेड फॉस्फोरस है और क्लोरीन है, तो ये क्लोरीन यहां से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेगा और ये बन जाएगा एच सी एल, सी एच थ्री सी एच सी एल और ये आ जाएगा सी डबल ओ एच, अल्फा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा, ये बनेगा आपका बच्चों ए। अब इसका एल्कोलिक क्योज की प्रेजेंस में ये होगा एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन हो जाएगा एल्कोलिक क्योज में, तो ये सी एल यहाँ से और यहाँ से H, ये बनेगा एच सी एल, तो सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी डबल ओ एच, एलिमिनेशन से एल्किन बन जाएगी आपके पास, तो ये आएगा थर्ड आंसर इज करेक्ट। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, अब देखिए इसमें ग्रुप आ रहे हैं NO2 है, फ्लोरीन CN CL, तो माइनस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर आपके पास आता है वो सबसे ज्यादा आता है NO2, फिर CN आता है, फिर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, इस तरह से माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर, तो देखो सबसे पहले आएगा आपका NO2, फिर आएगा CN, फिर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा आपको पता है, जैसे जैसे बढ़ेगा रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है आपकी, क्यों एनायन ज्यादा स्टेबल होगा, तो फोर्थ आंसर इज करेक्ट। नाइनटी नाइन में द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये ऑलमोस्ट ऑल ग्रुप को रिड्यूस करता है लेकिन डबल बॉन्ड को नहीं करता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा और बाकी ऑल फंक्शन ग्रुप को रिड्यूस कर देगा, तो बच्चों देखो इसको रिड्यूस करेगा तो ये बना देगा इसको एल्कोल में कन्वर्ट कर देगा, पहले तो एल्डिहाइड बनेगा फिर एल्डिहाइड आपका इसमें एल्कोल में कन्वर्ट हो जाएगा, सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू, सेकेंड आंसर इज करेक्ट, मतलब आपके पास सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी डबल ओ एच ओ सी एच थ्री है, तो ये ग्रुप जो आपका इफेक्ट हो जाएगा यहाँ से H भी आ जाएगा पहले तो, फिर यहाँ पर H आ जाएगा, फिर इसका वापस फर्दर रिडक्शन होके ये बन जाएगा एल्डिहाइड से एसिड, तो सेकंड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है 100 नंबर, इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, देखिए सबसे पहले आपके पास NaNO2 HCl की प्रेजेंस में हो रही है डाई एजोटेशन रिएक्शन, डाई एजोटेशन रिएक्शन हो रही है, तो NaNO2 HCl में डाइजोनियम सोल्ट बनता है, फिर आगे जाकर के यहाँ OH आ जाता है, तो पहले तो क्या बनेगा यहाँ
ये OH आ गया बच्चों, ये आ गया CH3। फिर आपके पास क्लोरीन की रिएक्शन हो रही है, ठीक है, क्लोरीन की रिएक्शन, और लेकिन यहाँ डाइजेशन में Cu2Cl2 आ रहा है, तो ये वाला यहाँ रिप्लेस होकर के क्या आ जाएगा आपका, Cl आ जाएगा, यहाँ Cl आ गया आपका। फिर आपका ये बनेगा A, ये बन गया A। अब इसका B बनाएंगे तो वो वापस हेलोजन बेंजाइलिक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होगा आपका, तो ये बन जाएगा Cl, इधर आएगा CH2Cl, ठीक है बच्चों। फिर वुड्स रिएक्शन हो रही है ड्राई, यहाँ पर ये बी बन गया आपका, वुड्स रिएक्शन हो रही है, तो वुड्स रिएक्शन में क्या होगा, ये यहाँ से फ्री रेडिकल बनेगा, ऐसे ही दूसरे एक मॉलिक्यूल के साथ में जुड़ जाएगा जाके ये, तो Cl तो रहेगा बाहर, CH2 बीच में आ जाएगा, CH2 और Cl साइड में आएगा, तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। मतलब इसमें दो रिएक्शन होगी, एक तो डाइएजुटेशन रिएक्शन दे दी बच्चों, फिर हेलोजिनेशन रिएक्शन हो गई मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में, फिर ड्राइज में वुड्स रिएक्शन आ गई, तो वुड्स रिएक्शन में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब ये फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा इससे, इसलिए CH2Cl वाला हटेगा यहाँ से। तो ये हमारे बच्चों 100 क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट होते हैं। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन CLC डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज अपन सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं, मिड सेशन टेस्ट सीरीज है ना, जो कि आपका पेपर हुआ है अभी। उम्मीद है आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। अपन सॉल्यूशन करने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का, ठीक है ना, फिजिकल केमिस्ट्री वाले पोर्शन का अपन सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। उसके अंदर क्वेश्चन था जैसे आपके पास 51, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशंस। तो अपने को इसमें फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड दे रखा है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ आयन प्रोवाइडिंग कैपेसिटी, नंबर ऑफ आयन्स विच आर प्रोवाइडिंग बाई इलेक्ट्रोलाइट। तो आपको पता है कि यहाँ पर अपने को तीनों ऑप्शन जो है एसिड्स दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि कौन इजीली आयन देगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो इसमें जो आयन प्रोवाइडिंग कैपेसिटी है वो डिपेंड करेगी किस पर, एसिडिक स्ट्रेंथ पर, और सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा, फॉर्मिक एसिड का। कंसंट्रेशन तीनों में अपने को सेम दे रखी है, तो फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड में जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो सबसे ज़्यादा किसका होता है, फॉर्मिक एसिड का, उसके बाद में बेंजोइक एसिड का, उसके बाद में एसिटिक एसिड का, ठीक है ना। तो आंसर अपना कौन सा होगा इसमें, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने कोलराउस लॉ पढ़ा है अपने, इसमें पूछा गया क्या है कि जो एक ग्राफ दे रखा है मोलर कंडक्टिविटी का डाइल्यूशन के साथ में, अपने वो ग्राफ दे रखा है, तो ये किसके लिए होगा। तो एग्जैक्टली आपने ये ढंग से पढ़ रखा होगा कि जब अपन वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो ग्राफ अपना इस टाइप से आता है, और अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है तो उसका ग्राफ कुछ अलग टाइप से आता है। तो ये जो मोलर कंडक्टिविटी का इस साइड में, लेफ्ट साइड में अपन आएंगे तो क्या होगा, डाइल्यूशन बढ़ेगा, और डाइल्यूशन बढ़ने पर एक प्रकार से आयन जो है वो इसमें बढ़ेंगे, है ना, डाइल्यूशन से आयनाइजेशन बढ़ेगा, जिसके कारण मोलर कंडक्टिविटी का मान बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें अपने पास जितने भी इलेक्ट्रोलाइट दे रखे हैं उसमें ये तीनों के जो स्टार्टिंग के जो तीन ऑप्शन, इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है, तो इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट अपना कौन सा होगा, एसिटिक एसिड, तो आंसर कौन सा होगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं, ये देखो अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर अपने को बेसिकली क्या पूछा है, NaCl, HCl, Na के लिए अपने को लेमडा m इन्फाइनाइट पे दे रखा है अपने को 126.4, 425.9 एंड 100.5, है ना, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और अपने को 0.001 मोलर जो HA जो है उसकी कंडक्टिविटी भी आपको दे रखी है, और HA के डिसोसिएशन की रेट अपने को पूछी है, ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली क्या है, अपन कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अल्फा अपने को निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, लेमडा इन्फाइनाइट, लेमडा मोलर अपन निकालेंगे और इनफाइनाइट को अपन इस पर डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। ये तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी का मान है, और एग्जैक्टली उसकी कंडक्टिविटी कितनी है, है ना, वो अपन निकालेंगे और उससे अपन डिवाइड करेंगे, तो अपने पास क्या आएगा, अल्फा। अब देखो बात ऐसी है कि अपने को डाटा दे रखा है, एक तो NaCl के बारे में, तो इनफाइनाइट Na प्लस का और Cl माइनस का, ठीक है ना, ये अपने को दे रखा है कितना, 126.4, और अपने को HCl का दे रखा है लेमडा एम इन्फाइनाइट H प्लस,
सी एल माइनस का अपने को कितना दे रखा है 425.9, और एन ए के लिए कितना दे रखा है एन ए प्लस प्लस लेमडा इन्फाइनाइट ए माइनस, इसका अपने को दे रखा है कितना 100.5। ठीक है ना, अपने को चाहिए एच ए, तो एच ए चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाली रिएक्शन को अपन अगर इक्वेशन फर्स्ट मान देते हैं इसको, इसको अपन इक्वेशन सेकंड मानते हैं और इसको अपन इक्वेशन थर्ड, तो एच ए के लिए अपन निकालना चाह रहे हैं बेसिकली, तो अपने पास ये अपन जैसे एच प्लस और लेमडा इन्फाइनाइट ए माइनस, ये क्या हो जाएगा अपने को, देखो ये कैंसिल आउट करना है एन ए प्लस और सी एल माइनस, तो क्या करना पड़ेगा बोलो, इसको रिएक्शन को अपने को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अपने पास ये सी एल, सी एल से कैंसिल आउट हो जाएगा, एन ए प्लस भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास इसका डाटा आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये वैल्यू निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन टू प्लस थ्री माइनस क्या करना पड़ेगा इक्वेशन वन, इससे अपने को एच ए का लेमडा एम आ जाएगा इन्फाइनाइट पर। ठीक है ना, ये एच ए का अपने पास आ जाएगा, और इसको कैलकुलेट करने पर आपके पास जो भी वैल्यू आएगी उसको अपन डिवाइड करेंगे किससे, ये अपने पास ये वाला डाटा आया है। ठीक है ना, और इसका फॉर्मूला आपको पता होगा 100K/m, यहाँ से अपन ये लेमडा एम निकालेंगे और ये वाली वैल्यू को अपन यहाँ पर पुट करेंगे, और यहाँ से जो अपने पास वैल्यू आएगी उसको अपन यहाँ पुट करेंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा अल्फ़ा, और इसको सॉल्व करने पर आंसर कौन सा आएगा 0.125। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको अल्फ़ा का एक तो ये फॉर्मूला जो है वो अगर आपको क्लिक कर गया होगा तो आपने ये कोलराउस लॉ अप्लाई करके आपने ये कैलकुलेट कर लिया होगा, और लेमडा एम का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो इसको कैलकुलेट करके आपने डिवाइड कर दिया होगा। ठीक है ना, तो अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है ना, अब देखो क्वेश्चन नंबर 54 जो है इसके अंदर अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 54 जो है इसके अंदर अपन बात करें तो क्या दे रखा है, 1m ZnSO4 वाले सॉल्यूशन के अंदर यदि अपन कॉपर धातु को अपन डालते हैं तो क्या होगा, तो बेसिकली अपने को पता है कि इसके अंदर Zn और कॉपर इसमें कंपैरेटिवली रिड्यूस होने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा होती है, ECS में कॉपर जो है वो नीचे आता है तो इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी होती है, और कंपैरेटिवली इसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रहती है, तो अगर आप ZnSO4 वाले सॉल्यूशन के अंदर अगर आप कॉपर डालोगे तो उसका Zn+2 के सामने इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, मतलब कोई रिएक्शन नहीं होगी, आंसर कौन सा होगा इसमें थर्ड। ठीक है ना, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन अपन बात करते हैं, क्वेश्चन है अपने पास ये वाला, कॉपर सल्फेट के विलयन से 2 फेराइडे अगर अपन चार्ज फ्लो करें तो कैथोड पर कॉपर का जो निक्षेपित द्रव्यमान है वो अपने को पूछा है, डिपॉजिटेड मास अपने को पूछा है। ऐसे क्वेश्चन में जिसके लिए बात की जाती है उसके लिए अपन वो जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अपने को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिपॉजिट करवा रहे हैं तो एक इंडिविजुअल रिएक्शन में लिख लेता हूँ Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होगा Cu। तो अपन इसमें फेराडे लॉ लगाने से ज़्यादा बेटर है कि अपन सिंपल मोल कंसेप्ट से क्वेश्चन कर सकते हैं, कैसे, अपने को पता है कि यहाँ पर 2 मोल, ठीक है ना, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डिपॉजिट कराएगा कितना 1 मोल ऑफ कॉपर, ठीक है ना, और 2 मोल इलेक्ट्रॉनों का चार्ज जो है वो अपन 2 फेराडे लिख सकते हैं, और 1 मोल का मास कितना होगा 63.5 ग्राम। तो इसमें सीधा सीधा इस समझ में आ रहा है कि 2 मोल फेराडे चार्ज से कितना कॉपर का मास डिपॉजिट होगा 63.5, तो आंसर विल बी 4। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है, इस क्वेश्चन में ये एक एक्सपेरिमेंटेड क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला, ए वेरिएबल अपोजिट एक्सटर्नल पोटेंशियल ई एक्सटर्नल इज अप्लाइड टू द सेल, तो ये तो डेनियल सेल अपने को दे रखा है, और डेनियल सेल का पोटेंशियल अपन पहले से जानते हैं कितना होता है 1.1 वोल्ट, ठीक है ना, तो अब अगर इसमें दो कंडीशन अपने को दे रखी है कि ई एक्सटर्नल अगर 1.1 वोल्ट से कम हो, और एक दूसरी कंडीशन दे रखी है कि ई एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट से क्या हो ज़्यादा, तो क्या होगा, तो अपन बेसिकली सेल के बारे में जानते हैं, ये जैसे फॉर एग्जांपल अपना एक डेनियल सेल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये जैसे फॉर एग्जांपल Zn का है और ये कॉपर का है और ये दोनों हाफ सेल है और यहाँ पर अपन ने कोई सॉल्ट ब्रिज लगा रखा है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जब ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी तो ये अपना क्या होगा, है ना, इस पर ऑक्सीडेशन होगा, ये तो अपना लेफ्ट साइड वाला तो एनोड होगा और ये क्या होगा कैथोड, तो आपको पता है कि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, है ना, Zn Zn और कॉपर के हाफ सेल लिए डेरियल सेल अपने बनाए, तो यहाँ पर वोल्टेज कितना आता अपने को 1.1 वोल्ट,
ठीक है ना, इस पर चार्ज कैसा होगा नेगेटिव और इस पर चार्ज कैसा होगा पॉजिटिव, अगर डैनियल सेल की बात करें। लेकिन अपन अपोजिंग फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना, अपन एक वोल्टेज इसमें अप्लाई कर रहे हैं कितने का, अगर सपोज करो इसमें अपन 1.1 वोल्ट से कम है ना, तो मैं यहाँ पर एक बैटरी लगा देता हूँ। अगर ई एक्सटर्नल अपना क्या हो गया, अगर अपने पास ई एक्सटर्नल जो है वो 1.1 वोल्ट से अगर कम है, तब तक तो फ्लो इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल कितना आ रहा है, अभी जब अपने कोई बैटरी नहीं लगा रखी है तब यहाँ पर पोटेंशियल कितना आ रहा है 1.1 वोल्ट, ठीक है ना। अब अगर अपन अपोजिंग पोटेंशियल लगाते हैं तो जब तक 1 वोल्ट से कम होगा तब तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो एनोड से कैथोड ही होगा, ठीक है ना, एनोड टू कैथोड। तो 1.1 वोल्ट से कम अगर अपन सप्लाई दे रहे हैं बैटरी से, तब तक तो एनोड से कैथोड होगा, और जैसे ही यहाँ पर 1.1 वोल्ट से आप ज़्यादा आप अगर सप्लाई दोगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है उल्टा हो जाएगा। बात क्लियर है क्या? तो आप ये कह सकते हो फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो जाएगा, कैथोड से एनोड। तो पहली कंडीशन तो है कि अपन अपोजिंग जो पोटेंशियल है वो 1.1 वोल्ट से कम है, कम है तो एक प्रकार से बैटरी का स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अपने को नजर आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। लेकिन अगर आप अपोजिट साइड में अपन वोल्टेज अपन ज़्यादा लगा देंगे तो उसका फ्लो जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हो पहले में एनोड से कैथोड और उसके बाद में कैथोड से एनोड, सेकंड वाले केस में क्या होगा, कैथोड से एनोड। तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना इसमें, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कैथोड पर 6.35 ग्राम कॉपर डिपॉजिट करने के लिए कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अपने को कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो अपन बेसिकली वही पहले वाला भी फंडा लगाएंगे, अपन इसमें कॉपर कॉपर को डिपॉजिट करवा रहे हैं अपन कॉपर सल्फेट से, तो सबसे पहले तो कॉपर डिपॉजिट होगा तो वो पर्टिकुलर अपन रिएक्शन लिख लेते हैं ये वाली। अब मोल कंसेप्ट अपन लगा देते हैं सिंपल, यहाँ पर अपन जानते हैं कि 2 मोल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चाहिए 1 मोल कॉपर को डिपॉजिट करवाने के लिए, ठीक है ना। 1 मोल का मतलब हो गया 63.5 ग्राम कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स की अपने को आवश्यकता पड़ेगी, या 2 Na इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता पड़ेगी। समझ में आ रहे हैं, है ना, मोल को अपने नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। अब अपने को पता है कि यदि अपने को कितना 6.35 ग्राम अगर डिपॉजिट करवाना है तो यहाँ पर कितना होगा, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि 2 Na से इतना इतना ग्राम डिपॉजिट करना है तो 2 Na इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिएगा और 6.35 के लिए कितना चाहिएगा, तो कैलकुलेट करने पर आपको पता है ये 1/10 हो जाएगा, 0.2 Na आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.2 Na, और 0.2 Na का मतलब हो जाएगा Na/5, ठीक है ना। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58, अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर अपने को दे रखा है तीन अपने को पेयर दे रखे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल उनके दे रखे हैं, और एक रिएक्शन अपने को दे रखी है, और उस रिएक्शन के लिए अपने को पूछा है कि इसमें अक्स और वाई क्या हो सकता है, ठीक है ना। देखो इधर इस क्वेश्चन के अंदर अक्स आपको ये समझ में आ रहा है कि रिएक्शन अपने को दे रखी है अक्स प्लस वाई प्लस टू, ठीक है ना, और इसमें ये जा रहा है अक्स प्लस टू और वाई के अंदर, ठीक है। अब इसमें अपने को पता है कि अक्स का क्या हो रहा है, बोलो, ऑक्सीडेशन, अक्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका मतलब ये अक्स वाला जो पेयर है वो क्या बनेगा अपना, एनोड, ठीक है ना। और वाई प्लस टू का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन, और रिडक्शन हो रहा है इसका मतलब ये अपना क्या होगा, कैथोड। तो अपने को पता है कि अपन जब करते हैं क्या कैथोड, अपने को ई सेल चाहिए रिएक्शन के लिए, अपने स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कब होगी, ठीक है ना। तो अपन ये कह सकते हैं कि ई सेल कैसा आना चाहिए, बोलो, पॉजिटिव। स्पॉन्टेनिटी के लिए ई सेल कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। और ई सेल कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करते हैं, ई सेल कैलकुलेट करने के लिए अपन करते हैं ई, है ना, कैथोड माइनस एनोड, जब अपन रिडक्शन पोटेंशियल ये लेते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल दोनों होने चाहिए। अब अपने वो क्वेश्चन में रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखे, ठीक है ना। तो आपको पता है कि जो एनोड होगा, कैथोड माइनस एनोड अपने को करना है, तो बेसिकली वैल्यू अपने को सारी की सारी माइनस में है, तो एनोड वाली वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। क्यों? क्योंकि एनोड वाली वैल्यू अपन रखेंगे यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल की, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो इधर वाली वैल्यू ज़्यादा होगी, तभी एक प्रकार से इस सेल का मान क्या होगा, पॉजिटिव। अब देखो इसमें क्या होगा कि जैसे अपन अक्स बराबर जेड एन है, ठीक है ना,
जैसे अपन लेते हैं यहाँ पर अक्स बराबर निकल है, तो अगर अक्स यहाँ पर निकल है तो निकल तो यहाँ पर क्या है, एनोड है, ठीक है ना। निकल क्या है, एनोड। अब निकल एनोड है तो एक प्रकार से यहाँ पर एनोड है तो इसमें Ni+2 वाला जो वैल्यू है वो अपने पास सेकेंड वाला ये होगा, तो -0.23 है एनोड वाला, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ वाला वैल्यू जो है ये प्लस वाला, तो एक प्रकार से क्या हो जाएगा, कम, और माइनस वाला क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो ये आंसर अपना नहीं होगा। तो इसमें करेक्ट आंसर जाएगा, इस टाइप से आप चेक करोगे तो आंसर कौन सा जाएगा, फोर्थ। फोर्थ के अंदर अक्ष बराबर क्या दे रखा है, Zn, और वाई बराबर निकल। अक्ष बराबर अगर Zn होगा तो आप देखो इधर Zn वाला अपने को रिडक्शन पोटेंशियल कितना दे रखा है, -0.76। तो अक्ष एनोड है तो -0.76 आप यहाँ रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +0.76 हो जाएगा। माइनस रखोगे तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होके, और यहाँ पर वाई बराबर निकल है तो निकल है तो ये -0.23 जो है वो आप यहाँ पर रखोगे -0.23, तो आप कह सकते हो ये वैल्यू आपके पास इस सेल पॉजिटिव आ जाएगी इस केस में। और अगर इस सेल का मान पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी बराबर -NF, इसे अपन निकाल सकते हैं। डेल्टा जी का मान भी क्या जाएगा, नेगेटिव, और प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं, आंसर इसमें कौन सा होगा, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं 59। क्वेश्चन नंबर 59 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके अंदर अपने को ऑक्सीडेशन पूछा है ना। एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, तो अपने को ये पता है कि एनोड पर हमेशा ऑलवेज क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन अगर होता है ऑलवेज तो इसमें ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन एक ही दे रखी है, वो होगी कौन सी, फर्स्ट, ठीक है ना। एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। अब क्वेश्चन नंबर 60 देखो, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है कि दिए गए सेल के अंदर, ये कोई आपको एक सेल दिया है, ठीक है ना, इसमें डेल्टा जी के मान में कब वैल्यू नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, डेल्टा जी आपको नेगेटिव पूछा है। तो डेल्टा जी अगर आपको नेगेटिव पूछा है तो डेल्टा जी बराबर -NFe, ठीक है ना। जब ई सेल का मान आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव, तभी डेल्टा जी का मान क्या आएगा, नेगेटिव। इस सेल का मान पॉजिटिव कब आएगा, ठीक है ना। अब इसके लिए क्या है कि ये कंसंट्रेशन सेल दे रखा है, इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है कि यहाँ पर C1 होगा और यहाँ पर ये कॉपर होगा, ठीक है ना। अब कंसंट्रेशन सेल के अंदर क्या होता है, इनोड सेल गिवन है आपको एक कंसंट्रेशन सेल, और कंसंट्रेशन सेल के अंदर अपन जानते हैं कि इनोड सेल कितना होता है, जीरो। इसका मतलब अपने पास जो फॉर्मूला बनेगा इस सेल का वो -0.059/N, और यहाँ पर लॉग बेस अपन करेंगे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो इसमें एनोड वाली रिएक्शन का प्रोडक्ट जो है वो C1 कंसनट्रेशन ऊपर आएगा और C2 कंसनट्रेशन क्या आएगा, नीचे। तो इस सेल अपने को पॉजिटिव चाहिए, तो इसके लिए, ठीक है ना, इसके लिए अपने को क्या होगा, इसमें C2 का मान अगर ज़्यादा होगा, ठीक है ना, C2 का मान क्या होगा, ज़्यादा C1 से, तभी ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। तो दिए गए ऑप्शन के अंदर अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ, इसमें C2 ग्रेटर देन C1 है। तो इस सेल पॉजिटिव लाने के लिए अपने को ये करना पड़ेगा, आपको यहाँ से वैल्यू बेस आपको पता लग रहा होगा कि यहाँ पर C2 का मान C1 से ज़्यादा होगा तभी इस सेल का मान क्या आएगा, पॉजिटिव। तो आंसर कौन सा होगा, फोर। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। इसमें अपने को एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दे रखी है, और इसके लिए अपने को अब एक LNK का मान, आपको कोई ब्लैंक जगह छोड़ रखी है, इसका मान पूछा है, ठीक है ना। चलो अपन गिवन डाटा के बेसिस पे इस क्वेश्चन को अपन करते हैं। देखो इसके अंदर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दे रखी है, तो Cu+ जो है, ठीक है, Cu+ जो है वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और Cu+ जो है वो रिड्यूस भी हो रहा है, ठीक है ना। जब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तब तो ये किसका काम करेगा बोलो, एनोड का, और ये रिड्यूस हो रहा है तब ये काम करेगा किसका, कैथोड का। तो यहाँ पर इसका जो एनोड होगा वो होगा अपना Cu+2, Cu+, और ये वाली वैल्यू अपने को दे रखी है, कितनी दे रखी है, ये दे रखी है अपने को 0.16। और इसी प्रकार से इस कैथोड का अपने को SRP अगर अपने को चाहिए तो वो कितना होगा, Cu+Cu होगा, और ये डाटा आपको दे रखा है कितना, 0.52। तो आप सबसे पहले तो अपन इस सेल निकालेंगे, एनोड सेल निकालेंगे, एनोड सेल कितना होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड का मान अपने को दे रखा है कितना, 0.52 दे रखा है, और एनोड का अपने को वैल्यू दे रखा है कितना, 0.16। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.36 वोल्ट।
अपने पास एनोड सेल तो आ गया। अब आगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड बात कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम पर अगर बात कर रहा है तो इक्विलिब्रियम पर ई सेल तो कितना आ जाएगा, जीरो। तो अपन नेक्स्ट इक्वेशन अपन लगा देते हैं, तो यहाँ पर ए नोट सेल बराबर कितना हो जाएगा, बोलो। ए नोट सेल बराबर ये आर टी अपॉन एन एफ और एल एन के, तो एल एन के कितना हो जाएगा, बोलो। ए नोट सेल इंटू एन एफ अपॉन आर टी, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें आर टी अपॉन एफ की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, इस सेल का ए नोट सेल का मान तो अपने पास आ गया 0.36, और एन का मान कितना है, यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन चेंज टोटल कुल मिलाकर यहाँ पर कितने का होगा, वन का होगा, ठीक है ना। इसका एन फैक्टर कितना आएगा, वन, और आर टी अपॉन एफ का मान कितना आएगा, 0.025। तो इसको सॉल्व करने पर अपने पास वैल्यू आती है 114.4, जिसको अपन लिख सकते हैं 144 × 10^-1। तो अपना आंसर कौन सा जाएगा, ये वाला, करेक्ट है। चलो अपन आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। क्वेश्चन नंबर 62, अब देखो क्वेश्चन नंबर 62 में क्या है, इसमें अपने को दे रखा है एक हाफ सेल दे रखा है, और इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान अपने को पीएच बराबर 5 पर अपने को पूछा है। तो अपन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए बात कर रखी है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए अपन जानते हैं कि इस सेल बराबर एनोड सेल, और रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पर एनोड सेल -0.0591 अपॉन एन का मान अपन 1 ले लेते हैं, और यहाँ पर लॉग एच प्लस की कंसंट्रेशन आ जाएगी, ठीक है ना। अब यदि अपन इसको पीएच में कन्वर्ट करना चाहें इस फॉर्मूले को, तो अपने पास क्या आ जाएगा, एनोड सेल, ठीक है ना, और इसको अपन अगर पीएच में लेते हैं तो यहाँ पर वैल्यू प्लस आ गई, और माइनस लॉग को अपन क्या लिख देंगे, बोलो, माइनस लॉग को अपन लिख देंगे क्या, पीएच। तो अपने पास एनोड सेल का मान दे रखा है 1.23, 0.059, और पीएच का मान कितना है, 5। इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अपन नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर, इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा, ये 0.06 आप मान सकते हैं, 0.3, और ये 1.52 के आसपास आएगा, ठीक है ना, ये वाला आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। अब 63 के अंदर जो है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल अपने को सेल दे रखा है, उसका एनोड का मान अपने को दे रखा है, और SN+2 के अंदर ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये अपना एनोड हो गया, ये एनोड हो गया, और ये Pb+2 जो है वो Pb के अंदर जा रहा है, ठीक है ना, ये रिडक्शन हो रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है, बोलो, रिडक्शन, तो ये कैथोड हो जाएगा। अब अपने को SN+2 अपॉन Pb+2 अनुपात अपने को चाहिए जब सेल जो है वो इक्विलिब्रियम गेन कर लेता है। इसका मतलब इक्विलिब्रियम की अपने को अगर बात कर रहा है, तो इक्विलिब्रियम पर अपन जानते हैं कि इस सेल बराबर कितना होगा, जीरो। तो नेक्स्ट इक्वेशन के हिसाब से अपन बात करें तो एनोड सेल बराबर, ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा, 0.00591 अपॉन एन का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, लॉग बेस 10 के। अब यहाँ पर के का मान जो अपने को बेसिकली लेना है, वो अपने को क्या करना है, ठीक है ना, यहाँ पर अपन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कर देते हैं, तो वो तो SN+2 अपॉन SN+2 अपॉन Pb+2 ही आएगा, ठीक है ना। अब अपने को इसमें क्या करना पड़ेगा, इनोड सेल का मान भी अपने को दे रखा है, तो log10 SN+2 अपॉन Pb+2, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × एनोड सेल, एनोड सेल का मान दे रखा है 0.01 × 2, ठीक है ना, और डिवाइड कर देंगे अपन 0.591 के साथ में, और बाद में लॉग अपन हटाएंगे, तो SN+2 अपॉन Pb+2, तो ये इधर वाला जो भी डाटा आएगा 0.02 आएगा अपॉन 0.059 आएगा, उसका अपने को क्या लेना पड़ेगा, एंटी लॉग, और एंटी लॉग लेने पर आंसर कितना जाएगा, 2.15। कैलकुलेशन आपको करनी है। अपन आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं,
ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, देखो एक सेल के लिए अपने को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वोल्टेज में अपने को फाइंड करना है, और इसमें एक रिएक्शन भी दे रखी है, और वो रिएक्शन सामने है आपके, और कुछ डाटाज भी आपको दे रखे हैं, और उसमें पूछा क्या है अपने को, ई सेल निकालना है। तो देखो इधर, आपको इस रिएक्शन का अगर ई सेल निकालना है, ठीक है ना, तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये अपने पास क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन होगा तो ये तो क्या होगा, एनोड, और ये इसका क्या हो रहा है, इसमें रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या होगा अपना, कैथोड। तो अपने को ई सेल निकालना है, ठीक है ना, ई सेल अपने को निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, कैथोड माइनस एनोड हो जाएगा। अब कैथोड कौन सा है अपना, कैथोड है अपना एजी प्लस एजी वाला। अब देखो एजी प्लस एजी ये वैल्यू तो अपने को दे रखी है, ठीक है ना, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल तो अपने को दे रखा है, तो वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अक्स। अब अपने को एनोड क्या है, एनोड एफ ई प्लस टू एफ ई प्लस थ्री, तो एफ ई प्लस टू एफ ई प्लस थ्री रिडक्शन पोटेंशियल अपने को नहीं दे रखा है, तो मान लेता हूँ कि मैं वो पी वोल्ट है, ठीक है ना, पी वोल्ट है, तो अपने पास ये वैल्यू कितनी आएगी बोलो, एक्स माइनस पी। अब अपने को यहाँ पर एक्स तो ठीक है, बट पी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो पी कैसे कैलकुलेट करेंगे, गिवन डाटा के बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे। पी बेसिकली क्या है, पी बेसिकली क्या है बोलो, पी अपने लिखा है एनोड, एनोड ये है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है बेसिकली, एनोड है एफ ई प्लस थ्री प्लस टू ये वाले पेयर का, ठीक है ना, ये अपने को दे नहीं रखा है, तो ये अपन कैलकुलेट करते हैं। चलो जी, इसके अंदर अपने को क्या क्या दे रखा है, फिर एक तो दे रखा है अपने को एजी प्लस, एजी प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेकर एजी के अंदर जा रहा है, एजी प्लस जो है एजी के अंदर जा रहा है, और एक आपको डाटा दे रखा है कौन सा, इसका पोटेंशियल अपने को दे रखा है कितना, इसका अपने को दे रखा है एक्स वोल्ट, और दूसरा दे रखा है एफ ई प्लस टू जो है, एफ ई प्लस टू जो है वो जा रहा है एफ ई के अंदर, तो दो इलेक्ट्रॉन लेकर किस में जा रहा है, एफ ई के अंदर, और इसका वोल्टेज दे रखा है अपने को वाई वोल्ट। इसी प्रकार से एफ ई प्लस थ्री एफ ई में जा रहा है, एफ ई प्लस थ्री जो है वो किस में जा रहा है, एफ ई के अंदर, और इसका वोल्टेज अपने को दे रखा है कितना, जेड वोल्ट। और अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए क्या, एफ ई प्लस थ्री जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके एफ ई प्लस टू के अंदर जाए, ठीक है ना, एफ ई प्लस टू के अंदर जाए, तो अपने को ये एग्जैक्टली इसका वोल्टेज अपने कितना मान रखा है, पी वोल्ट, तो अपने को रिएक्शन ये वाली काम आने वाली है, ठीक है ना। तो अपन क्या करें, ठीक है ना, इस एफ ई अपन क्या करें, देखो यहाँ पर इस रिएक्शन को माइनस कर देते हैं अपन, लेकिन आप ये देखो इसमें ये वाली बात तो समझ में आ गई होगी आपको, तो मैं एक बार इसको एक्स माइनस पी वोल्ट आएगा अपना ई सेल जो अपने को चाहिए वो कितना आएगा, एक्स माइनस पी वोल्ट, तो पी की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इस रिएक्शन का अपन डेल्टा जी वन मान लेते हैं, इसका गिब्स एनर्जी इक्वेशन चेंज जो है वो अपन डेल्टा जी टू मान लेते हैं, उसका अपन डेल्टा जी थ्री मान लेते हैं, ठीक है ना। अब इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे अपन माइनस एन एफ ई, तो माइनस एन का मान कितना है, दो, एफ तो सब में आएगा तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे, चलो एक बार तो लिख देता हूँ मैं, और ई का मान कितना दे रखा है, वाई, और यहाँ पर कितना दे रखा है बोलो, माइनस एन एफ ई करेंगे अपन, तो माइनस थ्री, और एफ का मान आप रख ही दोगे, और ई का मान आपको दे रखा है कितना, जेड वोल्ट, और यहाँ पर अपने ने क्या मान रखा है बोलो, एन का मान कितना है बोलो इसमें, एक, और एफ लिख देंगे अपन, और पी वोल्ट अपने माना है। तो बेसिकली अपने को करना क्या है, इस इक्वेशन को माइनस करना है, ठीक है ना, इस इक्वेशन को माइनस करने से अपने पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, मतलब अपन क्या करेंगे, डेल्टा जी टू माइनस डेल्टा जी वन करेंगे, तो अपने को डेल्टा जी टू माइनस डेल्टा जी वन करेंगे तो अपने पास डेल्टा जी थ्री आ जाएगा, तो डेल्टा जी टू कितना दे रखा है, माइनस माइनस थ्री एफ जेड, डेल्टा जी वन कितना दे रखा है, माइनस टू एफ वाई, और डेल्टा जी थ्री कितना जाएगा, माइनस एफ पी, ठीक है ना। अब देखो बात यह है कि एफ तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एफ तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास वैल्यू कितनी आ गई बोलो, पी बराबर कितना आ गया, ये माइनस माइनस प्लस का हो गया टू वाई, और ये कितना हो गया बोलो, थ्री जेड। चलो अपन एक काम करते हैं, माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं,
तो पी बराबर कितना आ जाएगा बोलो, 2y है ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3z माइनस कितना आ जाएगा, 2y, ठीक है ना। अब इस पी की वैल्यू अपन रखते हैं कहाँ पर, वहाँ पर जहाँ पर अपने को ई सेल चाहिए था। तो देखो इधर ई सेल अपने को जहाँ चाहिए था वहाँ पर अपने लिखा था, याद हो तो ई सेल बराबर क्या लिखा था बोलो, एक्स माइनस पी वोल्ट। तो एक्स का मान तो कितना हो गया, एक्स तो एक्स ही रहने देते हैं, और पी का मान कितना है, 3z माइनस 2y, तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2y तो आ जाएगा अपने पास प्लस में, और 3z जो है वो आपके पास आ जाएगा माइनस में। तो अपने पास आंसर कौन सा आएगा इसके अंदर, ये वाला आंसर आएगा, एक्स प्लस 2y माइनस 3z। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इस टाइप का है। चलो अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। ये क्वेश्चन देखो, अपने को एक रिएक्शन दे रखी है और इस रिएक्शन में अपने को पूछा गया है, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान अपने को दे रखा है 298 केल्विन पर, अपने को एनोड सेल की अपने को वैल्यू चाहिए। तो अपन नंस इक्वेशन लगाएंगे तो आपको पता है इक्विलिब्रियम पर ई सेल तो कितना हो जाएगा, 0, और एनोड सेल कितना हो जाएगा बोलो अपना, यहाँ पर 0.0591 अपॉन एन, एन का मान इसमें कितना आएगा, 2, ठीक है ना, और लॉग बेस 10 के, यहाँ पर के का मान भी अपने को क्वेश्चन में दे रखा है और एनोड सेल अपने को पूछा है। तो बेसिकली 0.0591 अपॉन 2 और लॉग बेस 10, के का मान अपने को दे रखा है 10 × 10^15, तो आप इसमें लॉग ले सकते हो, एनोड सेल का मान आप कैलकुलेट कर सकते हो, आंसर कौन सा आता है इसमें, थर्ड वाला, ठीक है ना, डायरेक्ट अपने को आंसर करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं अपन। देखो इसमें अपना आंसर कौन सा होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर केल्विन में अपने को दे रखा है, तो ऊपर दी गई डिटेल के बेसिस पर अपने को आइडिया लगाना है कि कौन सी गैस चारकोल की कोई दी गई अमाउंट पर सबसे कम अधिशोषित होगी। तो बेसिकली चारकोल का मतलब हो गया कि ये तो एडजोर्बेंट हो गया, इस पर एडजोर्बेंट जो है वो ज़्यादा एडजॉर्प्शन जो होगा जिसमें अट्रैक्शन क्या लगेगा, ज़्यादा, तो अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा तो आप ये कह सकते हो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी क्या आएगा, ज़्यादा। क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा आने का मतलब होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पर क्रिटिकल टेम्परेचर जिसके लिए सबसे कम है, ठीक है ना, क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे कम है, इसका मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे कमज़ोर होगा इसमें कंपेरेटिवली। तो अपना आंसर कौन सा जाएगा इसमें, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए सबसे कम एडजॉर्प्शन होगा यहाँ पर, इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे कमज़ोर किसका होगा, H2 का, है ना। तो आप ये कह सकते हो इसमें सबसे कम अमाउंट में कौन एडजॉर्ब होगा, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, 67। ये भी ठीक क्वेश्चन है। देखो इधर इसमें बेसिकली स्लोप जो है वो 1/n होती है। अगर अपन जानते हैं कि x/m जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ पर kp की पावर 1/n लिखते हैं, अगर अपन लॉग लेते हैं तो लॉग x/m बराबर लॉग k प्लस 1/n लॉग p, इस टाइप से अपन ये इक्वेशन बनाते हैं। तो आपको पता है कि 1/n जो है वो स्लोप होता है, ठीक है ना, जो कि किसके इक्वल होगा बोलो, 2/4 के इक्वल होगा, ठीक है ना, स्लोप किसके बराबर होगा, 2/4 के। अब 2/4 का मतलब अपन 1/n की जगह पर क्या लिख सकते हैं, देखो लॉग x/m बराबर लॉग के, 2/4 का मतलब 1/2 हो गया, और 1/2 पावर पे अगर वापस से अपन लिखते हैं तो पी पर पावर कितनी होगी, 1/2, तो x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पी की पावर 1/2, 1/2 का मतलब हो गया आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं अपन। अब देखो इधर इसमें क्वेश्चन नंबर अपन फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है, ऐसा क्वेश्चन है। तो एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात करें अपन, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ता है या घटता है, घटेगा। अपन सिंपल सी बात जानते हैं कि डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इसमें आपको पता है कि इसमें ये वाली वैल्यू क्या होगी बोलो, एंट्रोपी जो है वो आपको पता है पार्टिकल्स का एक्यूमुलेशन होगा तो एंट्रोपी घटेगी, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव ये पूरा टर्म क्या हो गया अपने पास, पॉजिटिव।
और डेल्टा एच का मान क्या होता है? नेगेटिव। तो आप जानते हो कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने से ये पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेगी जो डेल्टा जी का मान लेस नेगेटिव करेगी, या एडजॉर्प्शन घटेगा उससे। तो आंसर ये वाला जो है वो सही नहीं है। ताप अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एडजॉर्प्शन डिक्रीज होता है। बाकी बातें सारी सही दे रखी है। आंसर कौन सा होगा इसमें? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं अपन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्सेनिक सल्फाइड सोल्ट को अगर अपने को कोएगुलेट करना है तो कौन से लवण, कौन सा जो है वो सबसे अधिक इफेक्टिव होगा? तो बात यह है कि इसके अंदर आर्सेनिक सल्फाइड के बारे में अपन बात करें, आर्सेनिक सल्फाइड के बारे में अपन बात करें तो एक नेगेटिव कोलाइड होता है, और नेगेटिव कोलाइड होगा इसका मतलब कोएगुलेट करने वाला आयन जो है, कोएगुलेटिंग जो आयन होगा वो अपना कौन होगा? कैटाइन। और हार्डी सुलझे रूल के अकॉर्डिंग अपन कह सकते हैं कि जिसकी वैलेंसी कोएगुलेटिंग पावर जो है, कोएगुलेटिंग पावर जो है वो किसकी ज़्यादा होगी, जिसकी वैलेंसी क्या होगी? ज़्यादा। तो वैलेंसी कैटाइन में कौन से कैटाइन की वैलेंसी ज़्यादा है? एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या है? ज़्यादा। तो आंसर विल बी सेकेंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं अपन। तो इस क्वेश्चन में जो गोल्ड नंबर की जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड अपन 1 ml 10% NaCl सॉल्यूशन को ही एक प्रकार से 10 ml गोल्ड गोल्ड सोल्ट से अपन प्रिजर्व करने के लिए एक प्रकार से अपने स्टार्ट्स को अपन प्रोटेक्टिंग कोलाइड के रूप में मिलाते हैं। तो उस डेफिनेशन के अंदर, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, उसके अंदर अगर 10 ml अपने पास, तो देखो होता क्या है, बेसिकली गोल्ड नंबर होता क्या है, देखो गोल्ड नंबर की अगर डेफिनेशन पता है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते थे। बेसिकली अगर कोई प्रोटेक्टिंग कोलाइड है, अपन जानते हैं कि जो लायोफोबिक कोलाइड होते हैं उनको कोगुलेशन से बचाने के लिए अपन लायोफिलिक कोलाइड अपन उसके अंदर एज ए प्रोटेक्टिंग कोलाइड अपन मिलाते हैं। तो अगर किसी, अगर कोई लायोफोबिक कोलाइड है, जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर अपन गोल्ड सोल स्टैंडर्ड लेते हैं, गोल्ड सोल जो है वो अपना कितना है? 10 ml गोल्ड सोल है, और इसको अपने को क्या है, कोई इलेक्ट्रोलाइट डालने पर आपको पता है कोगुलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 ml 10% NaCl सॉल्यूशन को अगर अपन डालते हैं तो ये कोगुलेट हो जाएगा, और इसके कोगुलेशन से बचाने के लिए अपने को एक प्रोटेक्टिंग कोलाइड मिलाना पड़ेगा, और प्रोटेक्टिंग कोलाइड क्या होता है? वो एक लायोफिलिक कोलाइड होता है। तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्च को अपन मिला रहे हैं, तो स्टार्च की कितनी मात्रा अपने को यहाँ पर मिलीग्राम में ज़रूरत होती है, वो एक प्रकार से क्या होता है, उसका गोल्ड नंबर। अब ये एक्चुअली गोल्ड नंबर जो है ना, वो क्या है कि किसी प्रोटेक्टिंग कोलाइड की जो प्रोटेक्टिंग पावर है उसको बताने के लिए अपन काम में लेते हैं। तो ये स्टैंडर्ड अपन लेते हैं, किसी भी प्रोटेक्टिंग कोलाइड की अगर प्रोटेक्टिंग पावर को अपने को देखना है तो अपन क्या करते हैं, ये एक अपने पास स्टैंडर्ड अपने पास एक व्यवस्था है, और इसके अंदर इससे बचाने के लिए, इस इलेक्ट्रोलाइट से इसको कोगुलेट होने से बचाने के लिए जिसकी जितनी ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी उसका एक प्रकार से प्रोटेक्टिंग पावर उतना ही क्या है, कम। तो यहाँ पर मिलीग्राम वाली मात्रा लेते हैं अपन, तो यहाँ पर 0.025 ग्राम में दे रखा है, तो इसी को, ये स्टैंडर्ड डाटा ही आपको दे रखा है। तो यहाँ पर इसकी मिलीग्राम में अमाउंट कितनी चाहिए, मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? 25। तो आंसर कौन सा होगा? सेकंड। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं अपन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फोग एक कैसा कोलाइड होता है? तो फॉग में बेसिकली क्या है, गैस में जो लिक्विड के ड्रॉपलेट होती है कोलाइडल रेंज के अंदर डिस्पर्स होती है। तो आंसर इसमें कौन सा होगा? थर्ड। कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। 88 अति वही क्वेश्चन हो गया, इसमें आंसर कौन सा होगा? थर्ड। अब क्वेश्चन देखते हैं अपन 89। 89 भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन अपने पास क्या है कि EMF अपन निकालते हैं, तो ई कैथोड माइनस एनोड ही करते हैं अपन, कैथोड माइनस एनोड, या इसको अपन राइट साइड राइट इलेक्ट्रोड, और इसको अपन, है ना, इसको अपन कैथोड है तो राइट साइड का, और इसको अपन क्या लिख देंगे? लेफ्ट साइड का। तो अपना आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? राइट माइनस लेफ्ट बोल दो, या कैथोड माइनस एनोड बोल दो, बात एक ही है। तो क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 90, ये क्वेश्चन जो है सिंपल क्वेश्चन है, इसके अंदर अपने को पता है कि डेल्टा जी बराबर कितना होता है? माइनस एन एफ ई। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको डेल्टा जी का मान गिवन है, ठीक है ना,
इस रिएक्शन के लिए एन का मान निकालोगे तो आप कैलकुलेट करना, एन फैक्टर निकालना, इसमें 4 आएगा। एफ का मान पता ही है आपको 96500, तो इस सेल का मान जो है वो आपके पास आ जाएगा। और नो डाउट इसके अंदर डेल्टा जी का मान पॉजिटिव दे रखा है, तो इस सेल का मान नेगेटिव आएगा, बट इसमें नेगेटिव बाई मिस्टेक नहीं दे पाए, है ना, मिस्टेक हो गई इसमें टाइपिंग। तो आंसर इसमें कौन सा होगा? अब डेल्टा जी का मान पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कब आएगा? जब इस सेल क्या होगा? नेगेटिव। तो आंसर नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव -2.5, ठीक है ना। बट ठीक है, आंसर आप ये अभी चला सकते हो, आंसर कौन सा होगा इसमें? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 91। नाइन्टी वन में क्या होगा? देखो, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो डेल्टा जी तो आपको पता है क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो नेगेटिव इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है और इसमें दे रखा है। उसके बाद में आपको पूछा है केक का मान कितना होना चाहिए, तो केक का मान तो एक से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। केक का मान क्या होना चाहिए? ज़्यादा, क्योंकि अपन जानते हैं डेल्टा जी बराबर -RT ln K होगा। तो डेल्टा जी का मान नेगेटिव लाने के लिए केक का मान क्या चाहिए? एक से ज़्यादा। तो एक से ज़्यादा इसमें भी है और इसमें भी है। अब अपने को एनोड सेल चाहिए, तो एनोड सेल कैसा चाहिए बोलो? एनोड सेल अपने को पॉजिटिव चाहिए, ताकि डेल्टा जी अपने पास क्या है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला अपने पास ये वाला हो गया, तो आंसर कौन सा हो गया? फोर्थ। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर अपने को EMF का मान अपने को पूछा है। तो EMF का मान पूछा है, तो अपन कैसे देखो, कंसंट्रेशन सेल है, तो एनोड सेल कितना हो जाएगा? जीरो। एनोड सेल तो कितना हो जाएगा? जीरो। और ई सेल बराबर कितना हो जाएगा? माइनस, अपन 2.303 को तो अपन लॉग बेस, है ना, उसको लिखेंगे नहीं, RT/NF। और अगर नहीं लिखेंगे तो लॉग बेस ई करना पड़ेगा अपने को, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? P2/P1। अब अपन यहाँ पर सारे जो है वो पॉजिटिव में दे रखे हैं, तो इसको अपन पॉजिटिव में लिख लेते हैं, RT/NF लॉग बेस ई, तो ये क्या हो जाएगा? P1/P2। तो P1/P2 तो देखो एक ऑप्शन में दे रखा है, बट इसके अंदर यहाँ पर NF नहीं लिखा हुआ। N का मान यहाँ पर कितना होगा? अपन जैसे 2 होगा, ठीक है ना, तो NF का मान यहाँ पर 2 होगा, तो इनमें से कोई नहीं। तो आंसर कौन सा होगा इसमें? फोर्थ, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला डाटा यहाँ पर N का मान कितना होगा? 2, और यहाँ पर 2 किसी में नहीं है, है लेकिन यहाँ पर P2/P1 है। अपने आंसर क्या चाहिए? P1/P2, तो आंसर कौन सा होगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं,